कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की स्वागत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य। ऐसा चरित्र कानों से सुनो जरा, छुप छाप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। राज्यसभा में महाराजा कृष्ण चंद्र प्रवेश कर रहे हैं। जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, जय महाराज चंद्र की जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, महाराज कृष्ण चंद्र, जय महाराज कृष्ण चंद्र। सभा का काम शुरू किया जाए। दो लड़कियां आई हैं, उन्हें इज्जत के साथ ले आओ। जैसी आज्ञा। प्रणाम महाराज। महाराज, राज्यसभा में आने का समय बीत चुका है। गोपाल इतना देर कैसे हुआ? जी आज खाना बनने में देर हो गया इसीलिए। और कल? पैरों में दर्द था इसीलिए। परसों? खाना हजम नहीं हुआ होगा इसीलिए। कल से 10 बजे के अंदर सब राज्यसभा में आ जाना चाहिए। अगर जो नहीं आएगा उसे उसी वक्त सभा से निकल दिया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, मैं सीता। प्रणाम महाराज, मैं गीता। क्या कहना चाहती हो? महाराज, हम दोनों बहनों का 4 दिन पहले एक ही घर में एक ही वक्त 2 पुत्र जन्म लिए थे, लेकिन उसी वक्त मेरी बहन का पुत्र मर गया और वो मेरे पुत्र को अपना पुत्र कह रही है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। पुत्र इसका मरा था, मेरा नहीं। तुम दोनों के संतान के शरीर पर कोई विशेष पहचान है? हाँ महाराज, मेरे पुत्र के पीठ पे एक काला तिल है। महाराज, मेरे पुत्र के कान के नीचे एक लाल तिल है। महामंत्री, इनकी बातें सच है कि नहीं देखिए। जी महाराज। महाराज, इन दोनों की बात सच है। महाराज, आपके पास सर्वज्ञानी व्यक्ति है तो आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? इसका विचार करने के लिए उसे ही बोलिए। क्यों गोपाल, करोगे? जरूर। तो करो। जैसे आज्ञा महाराज। अच्छा, आप दोनों बोल रही हैं, ये बच्चा मेरा है ना? जी हाँ। तुम दोनों इस बच्चे को लेना चाहती हो? हाँ चाहती हूँ। अगर इस बच्चे को 2 टुकड़ा करके तुम दोनों में बांट दूँ तो क्या आप दोनों को मंजूर है? मुझे नहीं है। मुझे है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फैसला आपकी बहन को मंजूर है। जलाद, जलाद। जी महाराज। इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट कर इन दोनों माओं को एक एक टुकड़ा दे दो तुम। जैसी आज्ञा। दया कीजिए महाराज, उसका बच्चा उसका ही रहे। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने पुत्र पे कभी हक नहीं जताऊंगी। कृपया करके उसे मत मारिएगा, उसे छोड़ दीजिए, उसे मत मारिएगा महाराज। महाराज, मेरा विचार हो गया, ये बच्चा गीता का है।
सीता का नहीं। गीता तो बोल रही है ये मेरा बच्चा नहीं है। सभी की माँ यह चाहती है उसका बच्चा जहाँ रहे सुखी रहे, और दूसरी तरफ सीता इस बच्चे का दो टुकड़ा करवाने के लिए भी तैयार है। लेकिन गीता ये नहीं चाहती, वो इस बच्चे को बचाने के लिए अपना माँ का अधिकार छोड़ रही है। तो बताइए महाराज, बच्चा किसका है? सीता, क्या ये बात सच है? सच सच बताओ, वरना तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ये पुत्र मेरा नहीं, मेरी बहन का है। मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही मर गया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगी महाराज। ठीक है, तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन याद रखना जिंदगी में दोबारा ऐसा गलती मत करना। जाओ, तुम अपना पुत्र लेके जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। सच में गोपाल, तुम तारीफ के लायक हो। सभी आपका कृपया है महाराज।